तारीखी शहर बीजापुर का जब भी जाए तो अपनी परतों को लेकर होता है। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पर पुरानी इमारतें हैं, लेकिन बीजापुर शहर में खासकर शायद गोल गुम्बज हो या फिर इब्राहिम रोजा हो, ऐसे बीजापुर में ऐसे बहुत से इमारतें तारीख में है, लेकिन अफसोस की बात आज भी इन इमारतों की पूरी तरह से मरम्मत की नहीं जा रही है। बीजापुर में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिनका आज भी पूरा काम होना बाकी है। सिर्फ जो भी अधिकारी आते हैं, जो भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से आते हैं, उनका कहना हो, लोगों का कहना होता है कि वो आते हैं सिर्फ थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, लेकिन बीजापुर में जो भी पुरानी इमारतें हैं उनका हाल एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही एक नज़ारा है यहाँ पर बीजापुर शहर के इब्राहिम रोजे की कंपाउंड दीवार का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की यहाँ की जो कंपाउंड दीवार है, शायद पिछले डेढ़ दो साल पहले यहाँ की इमारत की दीवार जो है वो पूरी तरह से एक तरफ से टूट गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि बार बार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, अधिकारियों को, हर किसी को इसकी कंप्लेंट करने के बावजूद भी इस दीवार को बनाया नहीं जा रहा है, इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। तो आखिर कब जागेंगे अधिकारी, कब होगा इस दीवार का काम, ये देखना बाकी है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ की जो निवासी है, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कहना है जानते हैं। और एक बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इब्राहिम रोजा यहाँ की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसके ऊपर भी यहाँ पर छोटे से झाड़ उठे हैं। इसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं किया जा रहा है, उसका भी कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। और खास करके यहाँ के निवासियों का ये भी कहना है कि एक तरफ की दीवार जो गिर गई है, यहाँ पर भी एक देखा जाए तो एक तरफ से बीमारियों का सबब बन चुका है। यहाँ पर थोड़े बहुत मच्छर हो रहे हैं और ये इस दीवार के गिरने की वजह से बच्चे यहाँ से इधर उधर आना जाना कर रहे हो। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कुछ दिनों पहले यहाँ से गुजरने के कारण ये बकरी की मौत भी हो चुकी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ की दीवार टूट गई है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले बारिश में उधर की जो दीवार है शायद वो भी टूट सकती है, यहाँ के लोगों का कहना है। क्योंकि यहाँ की जो दीवार थी वो टूट गई है, उनका कहना है दीवार पूरी तरह से नाजुक हो चुकी है, शायद हो सकता है कि वो भी टूट जाए। इसलिए जो अधिकारी है, जो आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, मैं उनसे और हमारी टीम के माध्यम से, मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग आए, यहां की जो मरम्मत करनी है इसका जो काम है जल्द से जल्द वो करें, और यहां की जो लोगों की समस्या है उस समस्या को भी आप जल्द से जल्द हल करें। इसी के चलते यहां के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। हाँ बोलो। खंबा पटले हुए, वो झाड़ हमारे घर सामने गिरने हुए, गटर बंद हो रहा है और मच्छर है, हमारे बच्चों फिरते सब क्या साहब, नरसिंह यादव हमारा नाम, बहुत तकलीफ हो रही है हमको। गटर बंद हो छोड़ा, हमारे घर सामने मच्छर सब घर में आ रहे हैं, कौन भी वो देख रहे नहीं, मेमरा हुए तो नहीं सुन रहे, कौन लोग का विचार नहीं सुन रहे, बोले तो मेमरा उसको व्यवस्था कर रहा है। मतलब आपको ये जो समस्या हो रही है, जो मच्छर वगैरह हो रहे हैं, ये शायद इस दीवार की गिरने से पहले जो यहाँ पे अटरास में जो ड्रेनेज है उसकी वजह से हो रहे हैं या दीवार की पड़ने की वजह से हो रहे हैं? गटर बंद हो चुका है। नहीं मतलब आपका कहना है कि दीवार के गिरने से पहले यहाँ पे कुछ समस्या नहीं? नहीं 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 कुछ नहीं, दीवार पड़ने से चालू हो गए। ये दीवार के गिरने के बाद ही यहाँ पे जो है मच्छर वगैरह हो रहा है, गटर बंद हो छोड़ा, पानी आने का सब, तो पानी गिर जाने का सब बंद हो छोड़े, घर सामने पानी आ रहा है जी। इसके अलावा और क्या समस्या हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है? आने जाना रास्ता बंद हो रहा है जी। आपका घर मकान कहाँ पे है? मकान ही सामने, एक मकान सामने है, कमरे सामने से मकान। आपका नाम क्या बता दो जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो निवासी है नरसिंह यादव, इनका घर जो है यहाँ की जो दीवार है सामने, इसकी दीवार के बिल्कुल सामने इनका घर है। इनका कहना है कि इस दीवार के गिरने की वजह से यहाँ पे जो डेंगू मच्छर वगैरह, इससे इनको बहुत परेशानी हो रही है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से कोई बीमारी ना हो, तो इसी के चलते यहाँ के जो और लोग हैं उन्हीं से भी जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। वर्षवादू ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಜಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಾವುದೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನರು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಮತ್ತು ಏನು ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಗಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತದೆ, ಗಟರ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಮಚ್ಚರೆಲ್ಲ ಕಡೋದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದು ಹಾವುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು,
ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಗರು ಜಿಗಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬಿಡಿಸಿದ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಜಿಗಿದು ಇಸ್ಪೆಟ್ ಆಡೋದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಲೇಕು. वैसे अगर एक तरफ से देखा जाए तो तारीख शहर बीजापुर में आज भी अपनी पुरानी इमारतों की वजह से ही जाना जाता है. जिस तरह से एक इंसान के जिस्म में उसकी खूबसूरती का जरिया एक नाक होती है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो मेरे तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो हो सकता है कि बीजापुर शहर पूरे देश के लिए ही बीजापुर शहर उसकी नाक है, क्योंकि बीजापुर शहर की कुछ खूबसूरती ही अलग है. क्योंकि बीजापुर शहर में ऐसी बहुत सी खूबसूरती इमारतें हैं, लेकिन अफसोस कि आज भी उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है. उसकी तो इमारतों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसका बिल्कुल ही ख्याल नहीं किया जा रहा है. देख सकते हैं आपके बीजापुर में जो इमारतें हैं उनका ख्याल ना रखने की वजह से आजकल इन इमारतों की क्या हाल हो गई है. जो भी इमारतें हैं उसका हाल बिल्कुल ही बेहाल है. लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, वो लोग अभी तक भी जागे नहीं है. आखिर कब जाएंगे ये अधिकारी लोग? आखिर कब होगी ऐसी दीवारों की मरम्मत? आखिर कब होंगी ऐसी दीवारों की मरम्मत, ये देखना बाकी है. तो और बनेंगे और खबरों के लिए देखते रहिए यूट्यूब न्यूज हिंदी. मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जी. डेली न्यूज अपडेट्स के लिए यूटीवी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए.